हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ सीएस पर खान। सो गाइस, आई नो आप काफी टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी सीएमए की वीडियोस लेकर आओ। ऑल द मैंने काफी टाइम पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने सीए का कंपैरिजन करा था विद सीएस एंड सीएमए, और जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें शेयर करी थी। बट आप चाहते थे कि सीएमए को ऊपर वीडियो आने चाहिए। सो योर विश माई कमांड, आई एम हियर विद द वीडियो। सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल अबाउट सीएमए कोर्स। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंसाइटफुल होने वाली है। काफी सारी चीजें आपको सीएमए के बारे में जानने को मिलेंगी, तो जरूर शेयर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। ऑल्सो फॉर दिस वीडियो वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, जो कि सीएमए होने के साथ साथ सीएस हैं, सीएमए हैं, और तो और यूट्यूबर एंड टीचर भी हैं। एंड ही इज सीए सीएस सीएमए निखिल गुप्ता। सो वेलकम निखिल टू आवर चैनल, एंड आई मस्ट टेल यू दैट यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क। थैंक्स अ लॉट एंड यू आर ऑल्सो डूइंग एन अमेजिंग स्टफ स्टूडेंट्स के लिए। जितने आप वीडियोस बनाते हैं, आई हैव सीन योर चैनल, इट्स गोइंग रियली गुड। थैंक यू सो मच निखिल। एंड आज मैं आपसे बहुत सारी बातें पूछने वाली हूँ रिगार्डिंग सीएमए, क्योंकि आई फील सीएमए समथिंग विच इज वेरी अंडररेटेड। मतलब लोगों को सीए के बारे में पता होता है, अभी सीएस के बारे में भी काफी सारी वीडियोस, एंड यू नो देर आर सो मेनी पीपल ऑन सोशल मीडिया जो कि सीएस के बारे में शेयर करते हैं, बट सीएमए थोड़ा सा यू नो अंडररेटेड है। सो हम आप और मैं तो जानते हैं इसके बारे में, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल जो नहीं जानते हैं या फिर जिनको नॉलेज है बट हाफ नॉलेज है, तो उनके सारे जो भी डाउट्स वगैरह है ना वो आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो मैं आपको स्टूडेंट्स के बिहाफ पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी, एंड यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। आप मानकर चलेगा कि मुझे कुछ नहीं पता सीएमए के बारे में। सो आप बहुत ही बिगनर एंड बेसिक लेवल से समझाएंगे तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। श्योर, डन, एब्सोल्युटली। या सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो कैन यू गिव अस एन ओवरव्यू ऑफ सीएमए कोर्स? मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है सीएमए आने के लिए, क्या कोर्स कंटेंट रहता है, कौन से सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने पड़ते हैं, व्हाट आर द स्टेजेस इन सीएमए कोर्स? तो ये सब आप क्या ओवरव्यू दे सकते हैं हमें सीएमए के बारे में? हाँ, श्योर। सो सीएमए इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हिच मींस दैट जो फोकस होगा सीएमए कोर्स का वो मोर ऑन कॉस्टिंग होगा। कॉस्टिंग के अंदर एक कंपनी के अंदर कैसे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको किस तरह कंप्लायंस कर सकते हैं, उसका जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कॉस्टिंग के ऊपर सेक्शंस बनाए हैं, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी किया हुआ है, उसके कंप्लायंसेस किस तरह कर सकते हैं, कैसे एक कंपनी को एफिशिएंट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए हम टूल्स दे सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कुछ डेटा दे सकते हैं, ये होगा मेन थ्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस कोर्स कॉल्ड सीएमए। सो द एंटायर फोकस इज ऑन कॉस्टिंग कपल्ड विद रेस्ट अदर थिंग्स विच आर देयर लाइक जीएसटी, इनकम टैक्स। तो अगर सब्जेक्ट्स की बात करें, राइट फ्रॉम अकाउंटेंसी लॉ, वेरियस काइंड ऑफ कमर्शियल लॉज, कॉर्पोरेट लॉज, पार्टनरशिप एक्ट जो हम नॉर्मली लॉ के अंदर इंक्लूड करते हैं, वो सब के सब यहाँ पर है। इनकम टैक्स, जीएसटी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, कॉस्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और एक बड़ा यूनिक फीचर इस बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा गया है जो आई थिंक किसी भी और प्रोफेशनल कोर्स में नहीं है, विच इज डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा साइंस एक बूमिंग करियर अपॉर्चुनिटी है इस समय, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इन देयर सिलेबस 2022 हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस स्मॉल पेपर विच इज डेटा एनालिटिक्स। तो अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा है कि सर डेटा साइंस की तरफ हमें जाने का मन है, कि डेटा को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसको कैसे कंक्लूसिव रिपोर्ट में जनरेट कर सकते हैं, दैट इज अ न्यू एरिया विच सीएमए कैन वेंचर इनटू, दैट इज एन एडिशनल सब्जेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑडिट इज ऑफ कोर्स देयर, देन डायरेक्ट टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स, all the major subjects of finance are included in CMA course. As far as the stages are concerned, again three stages: CMA foundation, CMA intermediate, and CMA final. Of course, जैसे practical training होती है, practical training is also an essential part of this particular curriculum as well. So practical training is incorporated, and if you want, I can give you details of the practical training as well. या श्योर। सो हम उसी पर एक्चुअली वी आर गोइंग टू कम ऑन दैट पार्ट ओनली, बट कैन यू टेल मी द ड्यूरेशन? मतलब कितने टाइम में वी कैन कंप्लीट आवर सीएमए कोर्स? सो सीएमए कोर्स ऑन एन एवरेज अगर आप फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्वालिफाई करते जाओ, सो 4 इयर्स इज एन एवरेज टाइम व्हिच यू कैन इजीली क्वालिफाई योर सीएमए कोर्स, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी। अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दो, ठीक है, आर्टिकलशिप अपने जो टेन्योर है उस टेन्योर में फिनिश करो, मतलब कंप्लीट करो, और एक एक अटेम्प्ट में क्लियर करते जाओ, आई थिंक 4 इयर्स इज what you are going to take to complete this entire course. Also, आपने काफी सारे सब्जेक्ट्स बताए ना, so these are all the subjects in CA also. So major difference क्या रहता है मतलब syllabus में? Because costing I know there is a very vast syllabus, like in comparison to CA, CMA में काफी ज़्यादा costing है. So what is the major difference अगर आप देखें syllabus wise, क्योंकि आपने दोनों चीजें कर रखी हैं, so you can definitely differentiate between these two. Absolutely. So, as far as costing is concerned, as you rightly pointed out,
सीएमए की कॉस्टिंग इज अ लेवल अप. आई मीन इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं राइट फ्रॉम एनी एनी लेवल, इंटरमीडिएट, फाइनल, दोनों के लेवल में जो सीएमए कॉस्टिंग के लेवल हैं, दैट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ऑफ द टॉप नॉच लेवल. क्योंकि जब हमारा कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ही कॉस्टिंग है, सो कॉस्टिंग पढ़ाना स्टूडेंट्स को, दैट इज द मेन यू नो डिमार्केटिंग क्राइटेरिया फॉर सीएमए स्टूडेंट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें मैंने एक वास्ट डिफरेंस देखा है सीएमए के करिकुलम में. सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स एज कम्पेयर टू सीए is much more there in CMA. So, जैसे GST की बात करें, GST में जो notifications, जो provisions, कुछ कुछ छोटे छोटे concepts जो CA intermediate के बच्चों को नहीं पढ़ाए जाते, यहाँ CMA में वो सारे के सारे concepts incorporated हैं. Similarly, direct taxation में जो topics, जो sections, जो clauses, sub clauses CA में नहीं है, वो CMA में सारे के सारे हैं. So, the content is a little vast, not to the extent of costing. Costing का तो बहुत ज्यादा vast है. लेकिन अगर डीटी आईडीटी की बात करें, लॉ की बात करें, कंटेंट इज एब्सोल्युटली वास्ट एज कंपेयर टू सीए. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप ऑडिट सब्जेक्ट की बात करें, तो वो सीए का जो ऑडिट है, इट इज मच 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 वास्ट. आई मीन जो कंपैरिजन होगा वो 3 times का होगा. सीए सीएमए में जो ऑडिट है वो 1/3 है, और सीए में जो ऑडिट है वो 3 times है ऑफ द सीएमए कोर्स. ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन आपका मेन थ्रस्ट क्या है. ऑडिट एज फार एज स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंसर्न, that is not a forte which CMA specializes in. So, CMA के students को audit का detail में in-depth curriculum में prescribed नहीं है. Standards of auditing, जो CA inter का बहुत strong एक topic है, वो CMA में बहुत कम level पे है. So, depending upon what is the subject, subject के according, कहीं ज़्यादा, कहीं कम. Depending upon what is the focus area of CMA, वहाँ पर जो हमारे distribute किया गया है subject को, वो इस तरह से distribute करा गया. Plus, दो ऐसी चीजें हैं जो सीएमए में बहुत ज्यादा खास है एज कम्पेयर टू सीए, वो है इन द फाइनल एग्जामिनेशन सीएमए हैज गॉट 3 additional पेपर्स. नंबर 1, कॉस्ट ऑडिट. कॉस्ट ऑडिट इज अ स्पेशलाइज्ड यूनिक एरिया व्हिच इज एब्सोल्युटली अ मोनोपोली ऑफ सीएमएस, एंड दैट इज 100 marks पेपर व्हिच ऑफ कोर्स इज टॉट टू सीए स्टूडेंट्स एज वेल, बट इन अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटम. आई मीन उसका 5 to 10 marks का क्वांटम रहता होगा मेरे ख्याल से सीए फाइनल में. सीएमए में वो पूरा 100 marks का एक पेपर है. कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट के रूल्स, रिकॉर्ड रूल्स, ऑडिट कैसे करते हैं, कॉस्टिंग के हम कंप्लायंसेस कैसे करते हैं, वो एक 100 marks का पेपर है. प्लस वन वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विच सीएमए हैज इज बिजनेस वैल्यूएशन. हाउ टू वैल्यू योर एसेट्स, हाउ टू वैल्यू अ बिजनेस. आई मीन इट इज देयर इन सीए ऑल्सो इन एसएफएम, बट जितना वास्ट करिकुलम वैल्यूएशन का सीएमए में है उतना सीएमए नहीं है, क्योंकि अलग इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है वैल्यूएशन. इट इज नॉट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट्स अ वैल्यूएशन. हाउ टू वैल्यू अ पर्टिकुलर asset or a business or a share or a bond or a debenture. So that is an additional thing. Plus, 2 new subjects which have been introduced by CM Institute in the syllabus 2022. Entrepreneurial development. Number 2, banking and the related regulations. Okay. So depending upon CMAs, kis field mein zyada, matlab, active role play karenge after qualifying. Banking is one area jo Institute of Cost Accountants of India bahut zyada focused hai, bahut zyada dedicated hai. यही रीजन है कि बैंकिंग के regulations इन 100 मार्क पेपर एक्सक्लूसिवली लाए गए हैं सीएमए फाइनल में एज एन एक्सक्लूसिव पेपर, व्हिच आई डोंट थिंक इज एन एक्सक्लूसिव पेपर इन सीए फाइनल. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक बैंकिंग इज अ फुल फ्लेज्ड 100 मार्क्स पेपर. सो दैट इज दे आर टू सब्जेक्ट्स व्हिच हैव बीन एडिशनली इंट्रोड्यूस्ड इन सीएमए सिलेबस, व्हिच इज आई थिंक इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फ्रॉम सीए सिलेबस. So is it right that in CMA, jo practical content hai, that is more than the theoretical one? Is it right? Because I have heard this thing ki agar aapko practical zyada acha lagta hai, then you can go for CMA or CA because isme thoda practical content zyada hota hai. Absolutely. That is very true. Okay. Institute of Cost Accountants ka jo focus hai, agar aap exam papers bhi utha ke dekhenge, the focus is more on practical applicability of even the theoretical subjects. Okay. So agar main audit ki bhi baat karun, audit 50 marks ka hai CA inter mein, lekin usme jo questions aate hain, wo pure theory ke questions nahi aate, wo case study based questions aate hain. So practical approach thoda sa zyada hai as compared to any other syllabus. Yahan par practical pe focus bahut zyada hai, aur practical applicability pe jo aap keh sakte ho, jo matlab mere प्रोफेशनल लाइफ में रोज की चीजें मेरे यूज होंगी, जैसे IRR या वैल्यूएशन की कोई भी टेक्निक जो यूज होंगे मेरे रोज में, वो बहुत ज्यादा इनडेप्थ पढ़ाए जाते हैं और उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा डिटेल में कराया जाता है.
सो लेट्स कम टू द इंटर्नशिप पार्ट, क्योंकि आई थिंक मेजर जो ड्यूरेशन है इंटर्नशिप पे जाते हैं. सो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप एंड व्हाट इज द स्टाइपेंड वी कैन एक्सपेक्ट एंड व्हेन वी कैन एंटर इनटू द इंटर्नशिप. ऑल्सो कहाँ से हमें इंटर्नशिप करनी होती है. सो या प्लीज गिव अस अ फेयर आइडिया ऑफ इट. Absolutely. So the tenure of articleship in CMA is 3 years, but the catch is 15 months is to be done before your CMA final examination, and rest of the months you can do after the CMA final examination. Now, the best part about this articleship is that you need not do it from a CMA firm. आप अगर CMA firm के अलावा, suppose जैसे CMA मैंने एक बहुत trend चला हुआ है आजकल जो मैं देख रहा हूँ, पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ CMA के students को, और वो trend मैं पूरे 10 साल से देख रहा हूँ. लोग पढ़ाई करने के साथ साथ वर्क भी करते हैं. सीएमए के मोस्टली स्टूडेंट्स वर्किंग होते हैं, जो जॉब कर रहे हैं और साथ साथ सीएमए भी कर रहे हैं. सो बेस्ट पार्ट अबाउट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ सीएमए इज जो आप जॉब करते हो वही आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में एलिजिबल कर दी जाती है. सो 15 मंथ्स जो आपको सीएमए फाइनल के पहले करना है वो किसी मैंडेटरी नहीं है सीएमए फॉर्म से करना है. अगर जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है सीएमए, अगर आप शुरू से किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, फुल टाइम जॉब, फुल फ्लेज्ड जॉब, तो आप उसको भी एज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपना एक्सपीरियंस दिखा सकते हो फॉर सीएमए आर्टिकलशिप. वहां सीएमए फर्म में ही आर्टिकलशिप करना मैंडेटरी नहीं है. सो एक बहुत ल्यूक्रेटिव यहां पर एक इंसेंटिव आ जाता है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग एंड दो स्टूडेंट्स हु से यार मैं किसी सीए फर्म में आर्टिकलशिप नहीं कर सकता, मैं किसी सीएमए फर्म में जो मुझे कम स्टाइपेंड दे मैं आर्टिकलशिप नहीं कर सकता, मेरे को अपनी फैमिली रन करनी है, मेरे को अपना घर रन करना है, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी. उन स्टूडेंट्स के लिए दिस इज अ वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी. You please work in your company, that will be treated as your articleship, and then you can start your CMA journey. One more added advantage is that in CMA, the articleships can start immediately as you qualify your CMA foundation. So you qualify your CMA foundation, you get registered into CMA intermediate, immediately you are eligible for starting your articleship. Start your articleship, study along with your articleship, do your CMA inter, do your CMA final, but just take care of one thing. 15 months are to be completed before CMA final. 15 months आपको किसी भी हालत में complete करने हैं. Stipend before the CMA final examination or the registration? Before the registration no, of CMA examination. Final. Examination. Okay. Yes, yes. Examination से पहले आपका 15 months खत्म हो जाना चाहिए. So, as far as stipend is concerned, stipend again, जो institute ने minimum prescribe करे हैं, वो stipend तो है ही है. But, जो industry इस समय CMA के stipends दे रही है, and I'm proud to say, कि बिग महारत्नाज नवरत्नाज, क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हुआ आर्टिकलशिप पे, तो महारत्नाज नवरत्नाज जितने भी पीएसयूज हैं पूरे इंडिया के, वो सब सीएमए आर्टिकल्स को हायर करते हैं, एंड एट अ स्टार्टिंग आर्टिकलशिप स्टाइपेंड ऑफ से 12,000 15,000 ये स्टार्टिंग स्टाइपेंड एक सीएमए स्टूडेंट को मिल रहा है. वो रीजन बस एक इतना सा है कि यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सीएमए फर्म में ही आपको आर्टिकलशिप करनी है. आप आर्टिकलशिप किसी कंपनी में भी कर सकते हो, आप पीएसयू में कर सकते हो, आप बैंक में कर सकते हो, आप एनबीएफसी में कर सकते हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में कर सकते हो, आप कहीं भी आर्टिकलशिप अपनी कर सकते हो. बस आपके जो एरियाज हैं वो एरियाज फाइनेंस कॉस्टिंग से रिलेटेड एरियाज होने चाहिए, एंड यू आर डन, यू आर डन. That's great. I think now I'm feeling jealous. क्योंकि CMA there is like stipend का जो rate है ना, it's very low. But CS में भी मैंने यही same चीज सुनी थी जो आपने CMA के बारे में बताई कि the stipend rate is quite high because you're not supposed to work in a firm. You can work in a corporate or industry as well. So that's a I think positive side of it. You start very early, and when you start early, you start reaping benefits soon as you become CMA. अगर आपने एक कंपनी का कल्चर अडॉप्ट कर लिया, सोचो आप फाउंडेशन जब क्लियर करते हो तो आपकी क्या एज होती है, आप बहुत टेंडर एज में होते हो. आप उस एज में अगर किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन कर लो और आपने तब उसके इम्बाइब करने शुरू कर दिए उसके वर्च्यूज, तो आप जब क्वालिफाई करोगे तो आपका जो प्लेसमेंट होगा दैट विल बी अमेजिंग. Right. Also, if you want to do CMA course, then what is the cost we can expect? मतलब कितनी cost इसमें जाती है? Because I know these three courses are very less when we compare like the costing of it. So what is the cost we can expect to do the CMA course? So intermediate का जो registration cost, सबसे पहले बात करते हैं registration की. So intermediate and final दोनों का जो registration cost होगा वो 23,000 to 24,000 का होगा दोनों group का मिलाके. रजिस्ट्रेशन आप वन टाइम पे करते हो, वो रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड रहता है, और वो रजिस्ट्रेशन के बाद आप जितने बार एग्जाम्स दोगे तो एग्जाम फी आपको पे करनी पड़ेगी हर एग्जाम टेन्योर से पहले, विच रेंज समवेयर अराउंड 1,800-1,500 to 1,800 रुपीज पर एग्जामिनेशन. बट जो मेजर कॉस्ट यहाँ पर है वो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, विच इज समवेयर अराउंड 23,000 फॉर इंटरमीडिएट एंड 25,000 फॉर फाइनल.
ये आपकी मेजर कॉस्ट है. इसके अलावा कोचिंग्स की कॉस्ट. नाउ कोचिंग्स की कॉस्ट दे आर एब्सोल्युटली 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 लेस देन व्हाट इज द कोचिंग कॉस्ट ऑफ सीए स्टूडेंट्स और सीए फैकल्टीज. तो सीएमए में जो कोचिंग की फीस है दैट इज रियली लेस. फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट यू कैन गेट वन सब्जेक्ट फॉर 5,000 rupees फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री. 5,000 rupees is the an average, okay? 5,000, 6,700. That is the 7,000. That is the range for an intermediate student. And for a final student, the range starts from 7,000 till 9,000 or 10,000. That's it. So as compared to any other professional course, I think coaching fees is a relevant factor, which is absolutely concession, absolutely discounted in case of CMAs as compared to other courses. Okay, I think that's great. Also, I would like to ask you about the examination criteria. मतलब CMA साल में दो बार exams होते हैं. So is it is the same in CMA as well? Absolutely. The months are different. June and December. जैसे CMA होते हैं May और November. CMA में होते हैं June and December. And कभी ऐसा हुआ है कि दोनों के exam clash हुए हैं या फिर In case, अगर किसी सीए के एग्जाम पोस्टपोन हो गए देन वो भी अपने एग्जाम पोस्टपोन कर देते हैं. मतलब ऐसा कुछ होता है या फिर क्लैश होते हैं? बहुत अच्छी कॉन्ग्रुएंस है. आई मस्ट से एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑल द थ्री इंस्टीट्यूट्स. बहुत अच्छी कॉन्ग्रुएंस है तीनों के बीच में बिकॉज ऑल थ्री ऑफ देम आर कवर्ड अंडर द रियल्म्स ऑफ एमसीए. सो अभी कोरोना के समय ये हुआ, लास्ट टू ईयर से ये चीज लगातार हो रही है कि सीए के एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली सीएस के एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली सीएमए के एग्जाम भी पोस्टपोन हो रहे हैं. तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपस में कोई भी क्लैशिंग होती है बिटवीन देयर एग्जामिनेशन अनलेस एंटिल देयर सम एडवर्स सिचुएशन. लाइक सीएमए में सीएमए ने लास्ट ईयर री एग्जाम लिया, उसके अंदर कुछ क्लैशिंग देखी गई थी, बट अदरवाइज नो क्लैशिंग एट ऑल इन ऑल दिस थ्री कोर्सेज. ओके, एंड कैन यू गिव अस एन आइडिया कि सीएमए में पासिंग परसेंटेज कितनी होती है, लाइक एवरेज व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज इन सीएमए? ओके, सो पासिंग परसेंटेज अगर मैं लास्ट अटेम्प्ट की ही बात करूं तो इंटरमीडिएट में पासिंग परसेंटेज वाज समवेयर बिटवीन 12% टू 15% फॉर एन इंटरमीडिएट लेवल एंड फॉर फाइनल लेवल इट्स समवेयर बिटवीन 10 टू 12%. So almost similar to what you similar can expect. Similar to CA. In, CA, yes, mm-hmm. absolutely. Yeah, right. But yes, one thing which is a little different, and I don't know whether I should say it or not. I mean, I stand a risk of misinterpretation while I say this, but still, I am saying it. The level of questions which are asked in CMA are a notch, an iota of a difference. They are a notch less than the level of questions which are asked in CA. Okay. I have compared the direct taxation audit accounts paper of CA and CMA. And CMA, the level of examination questions, the level of questions which are asked, they are a little a notch less than what CA question papers are made. So this is a difference between exam, a major difference between exam, between CMA and CA. ओके, एंड इज देयर एनी कांसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंट्री इन सीएमए? जैसे सीएमए क्या होता है ना, वी कैन डू इट आफ्टर ग्रेजुएशन एंड हमें सीए फाउंडेशन नहीं देना पड़ता. सो इज देयर द सेम कांसेप्ट इज देयर इन सीएमए एज वेल? एब्सोल्युटली सेम कांसेप्ट. इफ यू हैव क्वालिफाइड योर ग्रेजुएशन, इवन इफ यू आर इन योर लास्ट सेमेस्टर, यू आर एलिजिबल फॉर अ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन. सून एज यू क्वालिफाई योर लास्ट सेमेस्टर, आप अपनी मार्कशीट सबमिट कराओ, आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा, फाउंडेशन एग्जेम्प्ट, आपको सीधा इंटरमीडिएट देना है. Also, one person wants to join CMA course, but उसको क्या काम करना पड़ेगा आगे CMA बनने के बाद? क्योंकि everyone wants to know कि अगर हम CMA करते हैं start, then what is the work we are supposed to do after becoming CMA, so that वो अपना mind makeup कर सके. तो सबसे important चीज जो कि monopoly है, और जहाँ पर monopoly होगी वहाँ पर आप जरूर उस area को explore करना चाहोगे, costing, cost audit, cost records. ये तीनों चीजें interconnected हैं. आप जब किसी कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर बनते हो, आप जब किसी कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हो, तो एक एडेड एडवांटेज, एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके शोल्डर्स पे कि आप उस कंपनी के कॉस्ट कंट्रोल में उसकी मदद करो. तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर आप काम कर सकते हो वो है कॉस्टिंग. कॉस्टिंग के भी मैं सब पार्ट्स, इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ. कोर कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, दे आर थ्री डिफरेंट लिम्स ऑफ कॉस्टिंग विच इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एंड एसेंशियल फॉर अ सीएमए कैंडिडेट या सीएमए क्वालिफाइड पर्सन. Next, if you are not very interested in costing, then GST doors are absolutely open for you. Jab GST audit hua karta tha, tab CA and CMAs were given equal rights with respect to GST audit. So GST is another area jahan par CMAs are doing really well. And I've met so many practicing CMAs. Sab mujhe ye reviews dete hain ki CMAs are doing really well in GST and they are at par with
any other professional courses, a qualified person, they are absolutely at par. So GST is my take number two, which is really, really important. Number three, which a student can expect, direct taxation. Now, direct taxation has ever been a CA's domain, okay? Income Tax Act has really given CAs much needed powers to exercise certain things which have been exclusively given to CAs only. Lekin ab samay change ho raha hai. Budget 2023 mein, there has been an amendment of section 142.2a, which is special audit. Jahan par special audit mein ek chota sa portion hai, which is inventory audit. Wo karne ka right CMAs ko bhi diya gaya hai. And in near future, we can absolutely expect ki CMAs ka right direct taxation ke andar bhi increase hoga. So that is area number three where CMAs can really, really perform well. Area number four, valuation. Valuation, registered valuers, ये एक बहुत जबरदस्त एरिया ऑफ फोकस है और CMA इंस्टीट्यूट. और आपने देखा, मैंने आपको बताया CMA फाइनल का एक 100 मार्क्स का पेपर है जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन सिखा रहा है भाई. वो और कुछ नहीं सिखा रहा, वो सिर्फ वैल्यूएशन सिखा रहा है. तो दैट इज एन एरिया ऑफ फोकस जो मैंने देखा है CMA इंस्टीट्यूट का. CMA वैल्यूएशन, CMAs के लिए वैल्यूएशन विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करियर एस्पेक्ट. तो अगर आप मर्जर एंड एक्विजिशन में जाना चाहते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हो, अगर आप पी इन्वेस्टिंग, private equity investing में जाना चाहते हो, उसके related valuation के areas देख रहे हो, CMA can definitely be the core area for you. And the last one, but not all the least, is banking. Banking के ऊपर जो focus है CMA institute का, जो मेरे को emails आते रहे, since I'm a member, मेरे को emails आते रहते हैं, अब banking की workshop हो रही है, ये banking का seminar हो रहा है, banking के ये important aspects हैं जो अभी regulation RBI ने issue करा, हम इस पे discussion करें. That is immense. जो उनका focus है banking पे, that is immense. So banking is another area जहाँ पर अगर आप CMA बनते हो, you can focus on. And of course, जितने भी areas हैं, वो सारे open हैं. But ये मैंने आपको चार या पांच major areas बताए हैं, जहाँ पर आज के date में जो मेरी knowledge में CMAs हैं, they are doing superbly well. Plus, एक बहुत important चीज, जो, I mean, it's like a feather in our, in CMA Institute's cap, is that Institute of Civil Services, the Civil Services, has a post called Indian Cost Accounting Services, which is ICOS. So, जैसे Civil Services के exams होते हैं, IRS, IAS के लिए, वैसे ही एक स्पेशल पोस्ट है कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए, जिसे बोलते हैं ICOAS, which is Indian Cost Accountants Services. वो सेम सिविल सर्विसेज का जो हमारा यूपीएससी है वो कंडक्ट कराता है. एंड दैट पर्टिकुलर एरिया इज गिविंग सो मच प्रेफरेंस टू कॉस्ट अकाउंटेंट्स. सो कॉस्ट अकाउंटेंट्स को मिनिस्ट्री अब्सॉर्ब करती है बाय वे ऑफ अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. जैसे यूपीएससी का मेन्स और प्रीलिम्स होता है, वैसे एक टेस्ट होता है. कॉस्ट अकाउंटेंट्स क्वालिफिकेशन है उस टेस्ट की. आप जब वो टेस्ट देते हो, उसके बाद यूपीएससी आपको हायर करती है. एंड देन यू आर इनटू इन्वेस्टिगेशंस ऑफ फ्रॉड्स एंड ये जितने भी ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के असाइनमेंट्स होते हैं, जहां पर वो ये देखते हैं कि भाई किसने कितना फ्रॉड किया, कितने अमाउंट का फ्रॉड था, इनकी बुक्स सही से बनी या नहीं बनी, कोक्ड अप तो नहीं थी, क्या इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई था, क्या इनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा कम थे. ये सारा जो एरिया है, इट इज अ वेरी वेरी नीश एरिया विच इज एक्चुअली रिजर्व फॉर द, नॉट रिजर्व बट यस, cost accountants are given a lot of preference in this area. This is another thing which is really important to note. I think that's really good, great, because mera jo next question tha wo tha future and scope of CMA, but aapne last question ko itna zyada explain kar diya, I don't think so ki aage is question ke upar baat karne ki zarurat hai. So definitely I can see ki there are so many things regarding CMA jiske bare mein logo ko nahi pata tha, because mere paas bhi comments aate rehte the ki CMA mat karo, there is no such scope, but as you explained really well in the last question ki there is a scope, you can definitely excel in this career and you can definitely opt for this course. And also jahan par main kaam kar rahi hu na, so the profile in which I am currently, it is current internal audit, basically towards IT. So we have a team of 20 to 25 people, and there are a lot of CMAs, like for the same position, for the same profile, we also have a lot of CMAs in my team. So yes, absolutely. I think you also have very good scope in internal audit as in well, internal. I can say. Yes. I missed out that point. Very nice that you pointed it out. ये सब बातें तो ठीक है, बट हम कुछ भी अपने लाइफ में करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, सो हम उसका देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द मॉनेटरी वैल्यू वी विल अर्न आफ्टर बिकमिंग सीएमए और अ सीए. सो कैन यू गिव अस अ फेयर आइडिया कि एक फ्रेशर सीएमए को कितना ऑफर किया जाता है एंड व्हाट ही कैन एक्सपेक्ट आफ्टर क्वालिफाइंग सीएमए इन टर्म्स ऑफ मनी. ओके, सो आई विल टेल यू द रियल फिगर्स. द लास्ट कैंपस प्लेसमेंट व्हिच वी हैड, the highest package which was offered to a qualified CMA, the topmost package was 27 lakhs. Okay. Okay. A humble one, not a very great one, but yes, a decent one.
कंसिडरिंग कि जैसा कि आपने बोला और ये फैक्ट भी है कि इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, मतलब जितना सीए टिप्स पे है ना लोगों के, सीए 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 जो टिप्स पे है, उतना ज्यादा सीएमए टिप्स पे नहीं है, बट स्टिल इट इज गैदरिंग मॉस नाउ. I mean, we are gathering a lot of attention in the corporate world. So last highest package was 27 lakhs. On an average, it fluctuates between 12 lakhs to 14 lakhs. On a lower side, a qualified CMA at least gets a job of 6 lakhs. That is the ballpark figure. A broad analysis of the last campus which has happened. Almost, I think, CMA, सारे almost same ही level पर है अगर salary की बात करी जाए तो. CMA कई बार ऐसा मैंने देखा है, सुना है कि placement में you know 40 lakhs का package किसी एक बच्चे का लग जाता है या 35 lakhs, 36 lakhs का package लग जाता है. So ऐसा once in a while ऐसा एक कोई company होती है जो ये चीज करती है. But yes, वो exceptions को अगर छोड़ दें, almost similar है. अब जो एक पुराना नोशन था ना कि सीएमएस की सैलरी कम होती है एज कम्पेयर टू सीएस, वो बिल्कुल खत्म हो गया है आफ्टर पी. और मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बताता हूँ, जो 27 लाख का मेरी ही एक स्टूडेंट को पैकेज लगा है जो लास्ट अटेम्प्ट में, उसको एक पीएसयू ने ऑफर किया है विच इज ओएनजीसी. पीएसयू का इतना अच्छा ऑफर मिलना, दिस इज अगेन अ प्राइवेट कंपनी का ऑफर मिलना इज लाइक ओके इट्स अ यूजुअल डील, बट पीएसयू का इतना अच्छा ऑफर मिलना, दैट इज समथिंग स्पेशल. I think government job भी मिल गया, you have a good salary with a good profession, so सोने पे सुहागा वाली बात हो गई. Absolutely. Also, a lot of people wants to work in big fours, but do we get opportunities in big four after becoming CMA, like after qualifying CMA? So I have worked with big fours for 12 years, including my articleship. Okay. And I have seen this biasness in the big fours towards CMAs, and for that matter, every other profession apart from CAs. I have been in part and parcel of the recruitment team. I have been a part and parcel of close connection with the HR team. Soon as you give them an idea ki yaar CA ke alawa kisi aur ko hire kare, they are a bit reluctant. Ye sirf CMA ki baat nahi hai, ye MBA ki bhi baat hai. Aur main core unme ki baat kar raha hu, jo core audit taxation wale areas hai, main unki baat kar raha hu. They are a bit reluctant in hiring even company secretaries ya even. So, अगर मैं कहूँ 100 लोग हायर होंगे एक बिग फोर में, तो उसमें से सीएमए जो होंगे वो प्रोबेबली 5 या 10 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे. Okay. तो जो बिग फोर की रिसेप्टिवनेस है टुवर्ड्स सीएमए, सीएस और एनी द प्रोफेशन, इट इज अ लिटिल लेस. और वो रीजन है जिसकी वजह से सीएमए के लिए बिग फोर इज लिटिल डिफिकल्ट टू गेट. बट हैविंग सेड दैट, माई ओन स्टूडेंट टूडे इज वर्किंग विद पीडब्ल्यूसी एज देयर इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजर, हु इज ओनली अ सीएमए. And she has done really well in big fours. But yes, मैं ये कहूँ कि बहुत ज्यादा opportunity और बहुत ज्यादा लोग वहाँ recruit हुए जाते हैं, ऐसा नहीं होता, कम होते हैं. अगर आप में वो talent है, वो आप में practical capability है, तो हो जाओगे. Otherwise, थोड़ा सा difficult. Okay. Also, very interesting question I want to ask. Is CMA difficult? Like आपका जो भी question answer होगा, I would just want to ask, is CMA difficult if we compare it with CA and CS? Because you have done all of these three courses. So can you tell us ki which course do you find the most difficult in out of these three? So all the three courses are equally difficult, have got equal level of course content, have got equal level of efforts which you need to put in to reap those benefits which you really want. But as I have told you before, CA ke jo papers aate hain na, wo ek notch above hote hain in terms of difficulty as compared to CS या CMA के पेपर. ये मैं एक बहुत ऑनेस्ट कॉन्फेशन कह रहा हूँ मेरे तीनों कोर्सेज के जर्नी से निकल के जो आ रहा है. एक नौ शब्द होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, या डिफरेंस जो है वो 19-20 का डिफरेंस है. ऐसा नहीं है डिफरेंस 25 और 20 का डिफरेंस है, 19-20 का डिफरेंस है. हाँ, ये बात फैक्ट है कि जो सी इंस्टीट्यूट पेपर सेट करता है वो एक नौ अबव होता है एज कम्पेयर टू जो पेपर सेट होते हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज के. But content wise, they are all same. आपको उतने ही sections पढ़ने पड़ेंगे, आपको सारी चीजें उतनी करनी पड़ेंगी. The same thing I also conveyed in another video of mine. Also, ये सारे questions तो होगा, but last में अगर कोई mind makeup कर रहा है कि चलो मैं CMA try कर लेता हूँ, so is CMA worth it? Is CMA worth the hard work? What is your view on it? Oh, absolutely. I feel CMA is the dark horse. अब तक उस पर ध्यान बहुत ज्यादा नहीं दिया गया. पिछले 5 साल से जो फोकस, जो अटेंशन और लॉ में जिस तरह के रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं, बीट कस्टम्स एक्ट, बीट जीएसटी, बीट डायरेक्ट टैक्स, बीट बैंकिंग रेगुलेशंस, जिस तरह का फोकस सीएमएस पे आ गया है और जिस तरह की एक्टिवनेस सीएमए इंस्टीट्यूट ने शो करी है, लाइजनिंग, मतलब जिस तरह की लाइजनिंग ये लोग कर रहे हैं एट एवरी लेवल,
That is immense. So it is the dark horse. The future belongs to those who work in today. And CMA Institute is working today to make its future really bright. So I think this is the dark horse. And in near future, this is going to be the big thing in the professional arena. Yeah, definitely. Sure. I can see ki there are a lot of things coming up in CMA, and those who are planning to come into CMA, definitely you can join it. And I think this video se aapko bahut zyada help bhi mil gayi hogi, and kafi sare doubts aapke clear ho gaye honge. Also, because Nikhil is CA and CS and CMA, so I don't know unhone kaise in sab cheezon ko manage kara hai. But if you want a video on it, ki how we can do CA, CA, CMA together, so we can come up with another podcast or a video for you as well. Sure. Because I think निखिल वुड बी द परफेक्ट पर्सन टू टॉक ऑन दिस, बिकॉज मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे जिन्होंने तीनों कोर्सेस को करा, क्योंकि हमारे तो एक कोर्स ही क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट निखिल हैज डन ऑल दीस थ्री कोर्सेस टुगेदर, सो कुडोस टू यू निखिल. थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. Yeah, thank you so much, Nikhil, for your time. आपने बहुत ज्यादा हमारे साथ insightful चीजें शेयर करी, काफी अच्छी तरीके से explain करा. So I think जितने भी doubts उनके होंगे ना सारे clear हो गए होंगे. But still, if you have any doubt, you can definitely put it in the comment section, and we will try to answer those questions. And you can definitely expect any other video in the future as well. And बताइएगा कि कैसी आपको वीडियो लगी है. Yes, guys, अगर आप इनको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो डेफिनेटली आप इसके इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड ही इज ऑल्सो टीचर ऑफ डीटी, आईडीटी एंड ऑडिट एज वेल, सो आप डेफिनेटली इनसे क्लासेस के लिए भी बात कर सकते हैं. या सो विद दिस गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी. या थैंक यू सो मच निखिल, एंड बाय गाइस.